तो सुकुना किंग ऑफ कर्सेस और जुजुत्सु यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और किसी के लिए उसको हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जबकि रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसने अपने टाइम में लिटरली सोने की लंका बना रखी थी। और क्या होगा जब ये दोनों आपने सामने होंगे और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम विश्व विजेता। You dare to actually touch my soul? हम शासक हैं। Don't forget your place, foolish puppet. हम राक्षस हैं। हम राक्षस हैं। I truly don't care. मतिमान, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़कती और जाता है। गोल्डन एज थे जुजुत्सु वर्ल्ड की हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल मॉर्टल था। और किंग ऑफ कर्सेस बनने से पहले भी उसके पावर्स बियॉन्ड इमेजिनेशन और बाउंडलेस थी जिसे सभी नेचुरल डिजास्टर से कंपेयर करते थे। और गोल्डन एज में ही उसे किंग का टाइटल दे दिया गया। जुजुत्सु वर्ल्ड में सुकुना की सिर्फ फिंगर्स ही स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है जिसमें उसकी सिर्फ 5% एनर्जी ही स्टोर है और उसकी ट्रू पावर्स ऐसी ही 20 फिंगर्स में डिवाइडेड है। और सुकुना के मरने के बाद भी ये फिंगर्स पूरी तरह से इंडिस्ट्रक्टिबल है। इवन बॉर्न विद गॉड गिफ्टेड सिक्स साइज और लिमिटलेस वाला सातुरो गोजो तक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और जिसके सिर्फ फिंगर्स इतनी ड्यूरेबल है वो खुद कितना ड्यूरेबल होगा ये तो अंदाजा ही लगा। सुकुना सुपर हीरो है या विलेन किसी को नहीं पता। जहां भी उसे कर्सेस के साथ भी ज्यादा लगाव नहीं है वो उन्हें भी मार देता है और उसकी सॉर्सरर के साथ भी नहीं बनती। और जो उसके मन में आता है वो वही करता है और उसकी ये चीज उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सबसे स्पेशल और सबका फेवरेट बनाती है। बात करें स्पीड की तो हमने सुकुना की किसामे के साथ फाइट में देखा था कि सुकुना लाइट स्पीड से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। सुकुना की मेन स्पेशल और सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर रियलिटी डिसमेंटल और जहां भी उसके डोमेन को सेपरेट स्पेस नहीं बनाती बल्कि रियलिटी को रिप्लेस और चेंज कर देती है। तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि 200 मीटर रेडियस वाली डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी सुकुना के कंट्रोल में होती है जहां पर वो अपने रियलिटी डिस्मेंटल लीव से अपने एनिमीज को हजारों पार्ट्स में कट कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की बात ये है कि ये अटैक्स पूरी तरह से इनविजिबल होता है जो कि किसी को नहीं दिखते और ये कहां से आ रहे हैं और कहां को जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। जिसके थियोरेटिकली सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बनती है कि खुद रियलिटी ही उनको कट करती है क्योंकि डोमेन के अंदर की सारी रियलिटी सुकुना के कंट्रोल में होती है। और क्योंकि ये पूरी तरह से इनविजिबल होती है इसलिए अगर ओपोनेंट इनफ ड्यूरेबल नहीं है तो उसका इसे डॉज करना, इससे डिफेंड करना है, इससे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी टैक्टिक तो और भी ज्यादा खतरनाक है जहाँ पे वो गेम में अपने इन अटैक्स के साथ अपनी कर्स एनर्जी को भी फ्यूज कर देता है जिससे ये अटैक्स और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाते हैं। और इससे सुकुना रियलिटी के साथ साथ सातुरो गोजो के इनफाइनाइट वॉइड और लिमिटलेस सबको कट कर चुका है। जबकि बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद। रावण महान ऋषि विशर्भा और राक्षसों की राजकुमारी कैकेयी का बेटा था इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था जिसकी वजह से उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से मौजूद था। जिसके बाद उसने कठोर तपस्या और परिश्रम करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। और एक बार ऐसी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मदेव को अपने दस्त्र चढ़ाए जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया जिससे रावण इमॉर्टल बन गया। साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर आ गई जिसकी वजह से जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और रावण ऐसे फाइट करता रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से कोई भी सुर असुर नाग पशु देवता या दानव रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल योद्धा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने कई युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए। और तीनों लोकों में किसी के लिए भी रावण को मारना या हरा पाना लगभग असंभव था जिसकी वजह से एक बार रावण ने हमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था। कुबेर से उसका पुष्प विमान छीन लिया था और शनिदेव पे भी आक्रमण करके उसने भी बंदी बना डाला था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि इवन वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़ कर उसके पार नहीं जा सकते थे। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता लोग उसका नाम सुनते ही वहां से डर कर भाग जाते। और रावण के रीजनरेशन और युद्ध कौशल को हमने फाइट फाइट में देखा था जहाँ पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को रीजनरेट किया था, हनुमान और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और
वॉरियरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तामसासी से मार डाला था। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा जिसमें पूरी सृष्टि के साथ साथ उसके अपने भी मारे जाएंगे। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी जो कि एक एक्सपर्ट फाइटर और ट्रेन्ड वॉरियर था जिसे हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना आता। रावण डॉक्टर सेन की तरह अपने ओपोनेंट की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था, लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन क्रिएट कर सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को जितना बड़ी चाहे उतना छोटा या बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हजारों मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और उसके हर एक वेपन सूट को पावरफुल और मैजिकल होती थी जो कि किसी भी प्लैनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय तक कर सकती थी। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसका सामना करना या उसे हराना लगभग असंभव। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो सुकुनो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल है और क्योंकि वो एक ह्यूमन है इसलिए रावण को मार भी सकता है। पर फिर सवाल आता है कि कैसे, क्योंकि देखो सुकुनो की सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एबिलिटी है उसकी रियलिटी डिस्पेंडर और क्लिक जिससे वो सात रो गोजो तक को मार चुका है। पर सामने गोजो नहीं बल्कि रावण है। रावण सुकुनो की रियलिटी डिस्पेंडर से हुई किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। और अगर सुकुनो गोजो की तरह रावण को दो पार्ट में कट भी कर देता है फिर भी रावण नहीं मरेगा बल्कि वो दोबारा से रिक्रो हो जाएगा। जबकि सुकुनो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल तो बहुत है पर वो इमॉर्टल नहीं है और गोल्डन एज में भी उसे कुछ सॉर्सरर्स ने हरा दिया था। और मैं ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो गोल्डन एज के सॉर्सरर्स रावण से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। और रावण के पास हजारों ऐसे सुपर पावरफुल मैजिकल दिव्यास्त्र हैं जो कि सुकुनो के फिंगर्स को कुछ ही सेकंड्स में एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। इसलिए किंग ऑफ कर्सेस सुकुनो रावण के आगे ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा और रावण किसी भी दूसरे डीमन की तरह सुकुनो को भी इजीली हरा देगा। या शायद नहीं, तुम्हें क्या लगता है, मैं सही हूं या गलत? और नेक्स्ट जो कि स्टॉप यू ना चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। यहां तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 10 लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।